शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिगरा शहर में बुधवार को कोरोना पॉजिटिव से कोरोना निगेटिव का सफर तय करते हुए कुल 15 लोग अपने घर पहुंचे हैं, जिसमें चांद नगर में 2 और गंगानगर के 13 लोग शामिल है। इन लोगों के आगमन पर परिसर के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए तालियां बजाकर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। मालूम हो कि इससे पहले भी शहर के 4 लोग सही सलामत घर लौटे थे। कोरोना के फैलते संक्रमण से सीलबंद हो रहे इलाकों सहित इस बीमारी से प्रभावित हो रहे लोगों की आइसोलेशन वार्ड में की जा रही भर्ती का मंजर दिग्रसवासियों के दिल में बैठे डर को जहां दुगना कर रहा था, वही बुधवार के दिन शहरवासियों के लिए राहत की खबर ले आया। मालूम हो कि बुधवार की दोपहर 3:30 बजे दिग्रस के 15 लोग कोरोना पॉजिटिव से कोरोना निगेटिव का सफर तय कर अपने घर लौट आए। इन लोगों में गंगानगर के शोएब खान, शब्बीर खान, जाकिया परवीन, नैना पवार, शांताबाई खंडारे, मोहम्मद फैज, मोहम्मद फाजिल, उज्ज्वला खंडारे, नीलोफर अंजुम, अल्तमश, प्रणाली खंडारे, स्नेहा खंडारे शामिल थे। कुद्दुस अहमद खान सर, फरजाना कुद्दुस खान आदि सहित बापू नगर से 1 और बाराबाई मोहल्ला से 1 शख्स शामिल है। गौरतलब है कि जैसे ही यवतमाल से इन लोगों को लेकर 2 एम्बुलेंस गंगानगर पहुंची, तब परिसर के लोग उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। परिसर वासियों ने इन लोगों का तालियां बजाकर स्वागत करते हुए उन पर फूलों की बौछार की। मालूम हो कि कल तक तहसील में कुल 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। ऐसे में कोरोना को मात देकर घर लौटे हुए लोगों की वापसी के बाद कोरोना एक्टिव पॉजिटिव का आंकड़ा 58 से 43 पर लुढ़क गया है। खास बात तो यह है कि इससे पहले भी 10 जुलाई की रात को घंटी बाबा परिसर के राघवेंद्र भरारे, 11 जुलाई को चांद नगर निवासी अमीना फिरदौस कुद्दुस अहमद खान, गंगानगर निवासी शब्बीर खान अपने घर लौट आए हैं। बहरहाल एक तरफ इन लोगों की घर वापसी से गंगानगर परिसर में खुशी का नजारा था, वही गंगानगर के एक शख्स की कोरोना संक्रमण से मौत की खबर को लेकर सुबह से उलझन, तर्क और कयास का दौर भी जारी था। इस संदर्भ में सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार यवतमाल के गवर्नमेंट अस्पताल में ICU विभाग में उपचार के लिए दाखिल संबंधित शख्स जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, जबकि उसके मौत की खबर बुधवार सुबह ही शहर में आग की तरफ फैल गई थी। बाद में वैद्य के सूत्रों ने संबंधित शख्स के मौत की खबर को नकारते हुए उसके हालत को गंभीर बताते हुए उसे ICU में शिफ्ट किए जाने की बात कही थी। आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक उस शख्स की मौत के संदर्भ में कोई पुष्टि नहीं हुई। इनबीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।